उपचुनाव लड़ने के ऐलान में देरी करने वाली बसपा ने पुनर की सीट पर प्रत्याशी उतारने में तेजी दिखाई है। एक बार फिर दलित मुस्लिम गठजोड़ के सहारे बसपा चुनावी दौड़ में उतरी है। पुनर की उपचुनाव में संभल के रफतुल्ला उर्फ नेता छिद्दा पर हाथी के महाबत बैठेंगे। इस गठजोड़ में पुनर की सीट पर बसपा को 2 बार जीत मिल चुकी है। बसपा की यह रणनीति सपा का खेल भी बिगाड़ सकती है, सपा के वोट बैंक में सेंध भी लगा सकती है। बसपा के वरिष्ठ नेता रफतुल्ला उर्फ नेता किशिदा को बसपा ने कुंदरकी से टिकट देकर फिर भरोसा जताया है। रफतुल्ला ने 28 साल पहले पहला विधानसभा चुनाव लड़ा था। अब तक वे 4 बार बसपा के टिकट पर मैदान में उतर चुके हैं। यह उनका 5वां चुनाव है। रफतुल्ला को टिकट मिलने पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने खुशी जताई। बसपा के कार्यकर्ताओं ने इस मौके पर मिठाई खिलाकर और फूल मालाएं पहनाकर रफतुल्ला को शुभकामनाएं दी। बसपा के नेताओं और बसपा प्रत्याशी रफतुल्ला उर्फ नेता छिद्दा का कहना है कि पार्टी ने भरोसा जताया है, जनता के बीच जाकर भरोसे को कायम रखेंगे और जनता ने भी बसपा प्रत्याशी पर जब भरोसा जताया तो क्षेत्र का विकास ठीक उसी तरह किया जाएगा जिस तरह बहन जी के सरकार में होता था। किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव में है और क्या करना? मेरा नाम रफतुल्ला उर्फ नेता छिद्दा है। पहला चुनाव 96 में लड़ा BSP से, उसके बाद लगातार 12 से 17, 22 और अब उपचुनाव 5वां चुनाव BSP से। और बहन जी का जब जब आशीर्वाद मिलता है तन मन धन से चुनाव लड़ता हूँ। और गरीब बैकवर्ड SC सभी समाजों की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। जैसा हमको समर्थन मिलेगा, उम्मीदें हैं कि बहुत अच्छा समर्थन मिलेगा तो हम विकास भी कराएंगे। और बहन जी हर समाज का विकास चाहती हैं, साथ में मुसलमानों की खासकर। ये हम उनसे अपील करेंगे कि कुछ लोग वोट तो सब ले लेते हैं लेकिन बाद में बोलते नहीं, ना ही मुसलमानों की कोई बात कहते हुआ सुना होगा आपने। जो 95% वोट लेते हैं वो भी नहीं मुसलमानों की बात कहते। इसलिए बहन जी जब सरकार में आई उन्होंने सबके हित का ध्यान रखा, मुसलमानों की सुरक्षा का ध्यान रखा। और यही मुसलमानों से अपील करूंगा कि वो अब BSP से जुड़ें और अपने हक की बात करें। वो मुकाबला किससे मानेंगे? किस तरह से मुकाबला? अब जब सामने कोई कैंडिडेट आएंगे जभी तो मुकाबला बताऊं। अभी तो कोई है ही ना, मैं ही हूँ तो मुकाबला किससे होगा? अन्य पार्टियां भी हैं, आएंगी तो बात देखा जाएगा। अभी तो कोई ना है इस टाइम। पार्टी से मुकाबला, पार्टी कौन है प्रत्याशी? बात में पार्टी से किसका मुकाबला मान रहे हैं? सरकार से होगी लड़ाई तो जाहिर सी बात है, जब सरकार का मामला है तो सरकार से ही लड़ेंगे। नामांकन कब तक करा देंगे आप? 21 या 22। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश की 4-4 बार मुख्यमंत्री रही आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने अपना आशीर्वाद देकर बहुजन समाज पार्टी के बहुत ही पुराने हमारे वर्कर और कई कई बार चुनाव लड़ चुके श्री रफतुल्ला और उपनेता छिद्दा को कुंदरकी के उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी घोषित किया है। किस तरह की उम्मीदें रहने वाली हैं जो आपके कैंडिडेट हैं उनसे? ये जो हमारे प्रत्याशी घोषित हुए हैं नेता छिद्दा साहब, ये बहुत ही चर्चित और बहुजन समाज पार्टी के बहुत ही पुराने सिपाही हैं। बहुजन समाज पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इनके चुनाव लड़ाने का काम करेगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि अच्छे मतों से ये विधानसभा को कुंदरकी से विधायक बनेंगे। किन मुद्दों को लेकर के चुनाव होगा और नामांकन कब तक करा देंगे? आज की सरकार में आप देखेंगे कि मुद्दे ही मुद्दे हैं, चाहे विकास का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, शिक्षा का मुद्दा हो, स्वास्थ्य का मुद्दा हो, किसानों का मुद्दा हो, तमाम मुद्दे हैं। ये सब मुद्दे इस चुनाव में रहेंगे क्योंकि जब बहुजन समाज पार्टी की 2007 से 2012 की सरकार थी तो जो कुंदर की विधानसभा का क्षेत्र है ये रामगंगा नदी क्षेत्र कहलाता है और इस क्षेत्र में कोई विकास नाम की चीज़ नहीं थी। लेकिन यहाँ से कुंदर की से उस समय जनाब हाजी अकबर हुसैन साहब जीते थे और मान्य बहन जी ने उन्हें मंत्री बनाया और उस क्षेत्र का बहुत विकास किया। ये बात बिल्कुल 100% सही है। और वहाँ जब क्षेत्र में आप लोग भी जाएंगे तो आपको लोगों से सुनने को मिलेगा कि जो नदी के पुल हैं, सड़क का निर्माण है, बिजली की व्यवस्था है, बिजली घर का स्थापना वहाँ हुई है,
तमाम विकास बहुजन समाज पार्टी के समय में कुंदर की विधानसभा क्षेत्र में हुए हैं और आगे भी हमें उम्मीद है कि नेता छिद्दा जी को वहाँ की जनता प्यार मोहब्बत से विधायक बनाने का काम करेगी। बहुत बड़ी संख्या में वोट देकर कुंदर की विधानसभा का MLA बनाने का काम करेगी और ये भी पूरी जनता के लिए सभी विकासों का कार्य करेंगे।